आज मैं आपके लिए वापस एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कहाँ हम लोग फिजिक्स के कंसेप्ट से हमारी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं उनमें हम लोग फिजिक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हमें जो गर्म सूप है उसका टेस्ट बहुत अच्छा क्यों लगता है, ठीक है, जबकि वही चीज ठंडी हो जाने के बाद उतना मजा नहीं आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाकर के वो वीडियो भी देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके से अभी आप लोगों ने देखा क्रिकेट का सीन चल रहा है ना, अभी T20 मैचेस वगैरह चल रहे हैं। तो एक मेरे साथ में कॉलीग है, उसने मुझसे पूछा कि यार ये जो बॉल अपन जब स्पिन करते हैं तो इसमें भी कुछ फिजिक्स है क्या? तो मैंने कहा हाँ भाई, इसके अंदर भी फिजिक्स है। अब इसमें अंदर क्या फिजिक्स लग रही है, मतलब बहुत शानदार वाला कंसेप्ट है ना, मतलब मजे आ जाएगा। अगर आप लोगों ने एक बार मैग्नस इफेक्ट को ढंग से समझ गया ना, तो मान के चलो कि आपकी बहुत सारी ऐसे डाउट्स जो है ना वो क्लियर होते जाएंगे। अच्छा ये इसलिए होता था क्या, अच्छा ये ऐसा होता था क्या, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज के साथ में कि मैग्नस फोर्स क्या होता है। अरे जो मैग्नस इफेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है, एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, उन्होंने सबसे पहली बार इसकी डिस्कवरी की थी, तो उसी के साथ में उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने उसके फोर्स को मैग्नस फोर्स कहा है। अब होता क्या, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा पेचीदा मामला है जो लोग नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते होंगे उनके लिए, बट मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान शब्दों में आप तक सारी बातें पहुंचा पाऊं। अब देखिए जैसे ये बॉल है हमारे पास, ठीक है, अगर मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया, बॉल को इस तरीके से फेंका, तो ये बॉल ऊपर वाला पोर्शन ऐसे स्पिन होके जा रहा है, और मैंने अगर ऐसे किया होता तो ये बॉल इस तरह से स्पिन होके जा रही होती, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना है कि मैं बॉल को ऐसे स्पिन कर रहा हूं या फिर मैं इस तरीके से स्पिन कर रहा हूं। अगर मैंने मान लीजिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन किया और जो बॉल का जो ट्रैक है, मतलब जिस रास्ते से वो जाने वाली है, जो पाथ है वो कौन सा है, वो सीधा वाला है, ठीक है। तो अगर ये वाला पोर्शन देखा जाए तो इसमें वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ पाथ जो मेरी बॉल आगे बढ़ने वाली वो भी इसी डायरेक्शन में, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बॉल भी आगे डायरेक्शन में जा रही है और पाथ भी आगे की डायरेक्शन में, तो दोनों ने एड ऑन कर दिया वेलोसिटी को और ये वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई, एड हो गई। मतलब यहां पर हमने देखा कि यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसकी स्पीड, बॉल की स्पीड, ठीक है। ऊपर की तरफ देखा तो यहां से बॉल इस तरीके से स्पिन होकर आ रही थी, बट रास्ता जो था बॉल का जाने का वो इस तरफ था, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हुई होगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई होगी। तो दो बातें हो रही है, यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है और यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब जो लोग थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में नॉलेज रखते हैं तो लोगों ने बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ी हुई है, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट, इन तीनों का जो एक रेशियो रहता है, जो एनर्जीज का रेशियो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है प्रेशर के ऊपर, कि प्रेशर वहां पर उस पॉइंट पर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो यहां पर प्रेशर विल डिक्रीज और यहां पर प्रेशर विल इंक्रीज। तो दोनों पॉइंट्स का अगर हमने डिस्कस किया तो वेलोसिटी के हिसाब से प्रेशर की जो वैल्यूज है वो बदली है, ऊपर की तरफ हाई प्रेशर और नीचे की तरफ लो प्रेशर रीजन यहां पर क्रिएट हो चुका था। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहां इस बॉल ने फ्लूइड के ऊपर या एयर के ऊपर या लिक्विड के ऊपर एक फोर्स लगाया, कहां पर, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक फोर्स एक्सर्ट होता है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। बिल्कुल उसी समय पर अकॉर्डिंग टू मेरा न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है भाई, जो कर्मा का लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन आपको मिलने वाला है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर कोई जानता है, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। तो यहां पर भी इस बॉल ने जब हमारे फ्लूइड के ऊपर एक फोर्स नीचे लगाया तो फ्लूइड क्या करेगा, उस बॉल को ऊपर की तरफ धकेलने के लिए एक फोर्स लगाएगा, जिसको क्या कहा गया, मैग्नस फोर्स, ठीक है। कहानी इतनी थी कि हुआ क्या, अब देखो अगर नॉन टेक्निकली इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये बॉल है, बॉल को मैंने स्पिन किया, इस डायरेक्शन में स्पिन किया तो ऊपर की वेलोसिटी बढ़ी, नीचे की कम हुई, नीचे का प्रेशर बढ़ा, ऊपर का प्रेशर कम हुआ, नीचे प्रेशर बढ़ा तो बॉल के ऊपर फोर्स कहां लगा, ऊपर की तरफ, फ्लूइड ने कहां फोर्स लगाया, रिएक्शन में नीचे की तरफ, तो बॉल कहां पर गई, नीचे, जैसे अपन देखते हैं अनिल कुंबले का नाम ले, है ना, हरभजन सिंह का नाम ले, इस तरह के जो बॉल को स्पिन कराते थे, मतलब उनके जादूगर कहते थे इनको बॉल का, इनकी हाथों में जादू स्पिन करवा देते हैं बॉल, कैसे होता था, इन लोगों ने जब बॉल को आगे स्पिन कराया तो बॉल अपने ट्रैक से थोड़ा सा नीचे चली गई, मतलब जाना बॉल को ऐसा चाहिए था वो नीचे चली गई, मतलब ट्रेजेक्ट्री ये थी बट बॉल गई ऐसे, वो जल्दी नीचे गिर गई। यही जब वो बॉल को अब तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर स्पिन कराता है तो उस समय पर क्या होगा, बॉल को जाना ऐसा चाहिए था बट बॉल थोड़ी सी और ऊपर उठ गई, जब किसी ने इस साइड की स्पिन करा के दी तो बॉल ऐसे घुस गई,
जब बॉल को इधर स्पिन कराए तो बॉल जा ऐसे नहीं गई और जा करके इधर चली गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बॉल की स्पिनिंग किस तरीके से होती है। इस चीज का यूज बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते टाइम भी करते हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे गोल, ये गोल पोस्ट है, कुछ लोग यहां से किक मार रहे हैं उसके बाद भी बॉल ऐसे करके जा रही है। तो ये जो स्पिनिंग हुई, ये जो ट्रेजेक्ट्री को अपोज करता हुआ जो बॉल गई वो कैसे गई, तो इट इज बेस्ड ऑन मैग्नस इफेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन मैग्नस फोर्स। जब आपने बॉल को इस तरह स्पिन करा के भेजा तो यहां पर ये बॉल इस तरीके से इंटर जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नस फोर्स लग रहा होगा जो कि फ्लूइड उसके ऊपर लगा रहा होगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसकी स्पिनिंग हो रही होगी, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वहां पर ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में एक फोर्स वहां पर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने आज मैग्नस फोर्स समझा, और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होंगी जहां बॉल की स्पिनिंग होने के कारण बॉल की ट्रेजेक्ट्रीज बदल जाती हैं, जहां पर फुटबॉल हो चाहे वो सॉसर हो चाहे वो क्रिकेट हो, बहुत सारे लोग तो टेबल टेनिस के अंदर भी इस चीज का यूज करते हैं, मतलब तो बड़े शानदार तरीके से बॉल से बॉल को स्पिन कराते हैं और बॉल इधर की जगह ऐसे इंटर हो जाती है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है ना, तो वहां पर भी हमारी फिजिक्स ही अप्लाई होती है। मैंने कहा दुनिया का हर कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स के ऊपर। एंजॉय द फिजिक्स।